उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर एक बोलेरो गाड़ी एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई। दोनों गाड़ियों की टक्कर इतनी खौफनाक थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और बस औंधे मुंह पलट गई। इस भीषण हादसे में 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कुछ घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर एक घायल को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। दरअसल ये हादसा इतना भीषण था कि जैसे ही बोलेरो की एक बस से टक्कर हुई तो गाड़ी बस में फंस गई, जिसकी वजह से घायलों को निकालने के लिए बस और बोलेरो को गैस कटर से काटना पड़ा। दरअसल बोलेरो में बैठे सभी लोग एक तिलक समारोह से लौट रहे थे। ये लोग कुशीनगर जिले के कोहड़ा गांव में तिलक समारोह में गए थे। तिलक समारोह खत्म होने के बाद सभी लोग कुशीनगर लौट रहे थे। इसी कड़ी में बोलेरो भी गांव से निकली और रुद्रपुर गौरीबाज रोड पर पहुंची थी। इस दौरान गौरी बाजार की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बस ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा इतना भयावह था कि बस तो पलट ही गई और बोलेरो के भी परखच्चे उड़ गए। हालांकि पुलिस को जैसे ही हादसे की सूचना मिली वैसे ही तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एडिशनल एसपी राजेश सोनकर और सीओ रुद्रपुर जिला जीत मौके पर पहुंचे और तुरंत लोगों को रेस्क्यू कराने का काम शुरू किया। इनके अलावा डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और एसपी श्रीपति मिश्रा भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल भेजा। अब बात आती है कि इस हादसे में किन किन लोगों की मृत्यु हुई है। तो आपको बता दें कि मरने वालों में बोलेरो सवार कुशीनगर के रहने वाले शुभम गुप्ता, राम प्रकाश सिंह, विशिष्ट सिंह, जोगन सिंह, अंकुर पांडे और बस सवार देवरिया निवासी रामानंद मौर्य हैं। यही नहीं, इस हादसे में आधा दर्जन घायलों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि फिलहाल फॉरेंसिक विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर सैंपल जमा कर रही है ताकि इस घटना के असल कारणों का पता लगाया जा सके।